अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दिन भर की टॉप स्टोरीज पर नजर डालेंगे। हल्का बंदियां तब्दील करने का बलोचिस्तान हाईकोर्ट का फैसला मौतल कर दिया गया है। फवाद चौधरी की जमानत मंजूर हो चुकी है। आइंदा इंतखाबात के लिए नून लीग ने अपना नौ नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। इसके अलावा मोशत के हवाले से भी एक अच्छी खबर है। इन तमाम तर डिटेल्स पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने दो सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त पर बलोचिस्तान हाईकोर्ट का जो फैसला है उसे कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की अपील भी मंजूर करते हुए फैसले में कहा है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर जो है वो एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। अदालत ने इस पर रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का जो सबसे बड़ा इम्तहान है वो 8 फरवरी को इंतखाबात कराना है। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दे दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तों का सलाब है वो उमड़ आएगा। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है उसे हाईकोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है, अदालत ने यहां पे ये सवाल उठाया है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स में कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब क्यों चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो लंबा हो, हालांकि इलेक्शन को जो है वो फौरी हो जाना चाहिए। बाद अज़ां फिर उन्होंने बलोचिस्तान हाईकोर्ट का जो फैसला था इसे मौतल कर दिया है। इसके अलावा बात करते हैं जी, फवाद चौधरी की जो जमानत है वो मंजूर कर ली गई है। उन्हें 2 लाख रुपए के जो जमानती मचलके हैं वो जमा करवाने का हुक्म दिया है। खुसूसी अदालत ने फवाद चौधरी को जमानती मचल के जमा करवाने पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। एंटी करप्शन पुलिस ने फवाद चौधरी को जो है वो गिरफ्तार कर रखा था और जुडिशियल रिमांड पर उन्हें जेल में रखा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं जी, नून लीग ने आइंदा इंतखाबात के लिए नौ नुकाती अपना जो एजेंडा है उनका वो जारी कर दिया है। एजेंडे में सरकारी और इंतजामी अमूर के अखराजात में कमी की जाएगी, आमदनी और महसूलात में इजाफा किया जाएगा, जबकि टैक्स के निज़ाम में जो है वो इस्लाहात एजेंडे में शामिल हैं। बरामदात में इजाफे के लिए जो है वो फौरी और हंगामी इकदाम किए जाएंगे। IT का फ़रोग दिया जाएगा। तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में जो है वो कमी की जाएगी, ये मुस्लिम लीग नून के एजेंडे में शामिल है। निज़ाम अदल व इंसाफ में जो है वो इस्लाहात की जाएंगी। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की इस्लाह की जाएगी। नौजवानों और ख़वातीन को जो है वो रोज़गार फराहम किया जाएगा और पाकिस्तान में ज़राअत के जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इसमें जो है वो तरक्की करके इनकलाब इसमें बरपा किया जाएगा। ये इनके नौ नुकाती एजेंडा इन्होंने जारी किया है, इसके ऊपर ये अपनी इलेक्शन कंपेन रन करेंगे। इसके अलावा जी, मईशत के हवाले से जो अच्छी खबर है उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल जो है उसमें 5 माह में पहली बार जो है वो पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी इदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में सालाना बुनियाद पर 64% की कमी देखी गई है, जबकि नवंबर में मुल्की करंट अकाउंट जो खसारा था वो $90 लाख सरप्लस रहा स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में मुल्की करंट अकाउंट 18 करोड़ 40 लाख खसारे में था, जबकि रवा माली साल के पहले 5 माह में करंट अकाउंट खसारा $1.16 अरब रहा। गुज़िश्ता माली साल के पहले 5 माह में मुल्की करंट अकाउंट खसारा जो था वो 3.26 अरब डॉलर था। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि बरामदात में इजाफा और दरामदात में कंट्रोल से जो है वो करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। ये थी वो अभी तक की तमाम तर तफसीलात। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।